गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स कॉइन इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। अपने भारत की सरकार ने कुछ सिक्के बना रखे हैं, कितने कितने रुपए के, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। आप देख सकते हैं 1 रुपए, 2 रुपए और 5 और 10 रुपए के सिक्के। कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल्स, ये सभी सिक्के किसके बने हुए हैं, मेटल्स के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सिक्के मेटल के बने हुए है। अ कॉइन ऑल्सो हैज़ इट्स वैल्यू एंड द नेशनल एम्बलम माइंटेड ऑन इट। इन सिक्कों के ऊपर इनकी वैल्यूज लिखी हुई है। जैसे ये सिक्का 1 रुपए का है, ये 1 रुपए इसकी वैल्यू है। ये सिक्का 2 रुपए का है, ये 5 रुपीज़ का है और ये 10 रुपीज़ का है। और इन सभी सिक्कों के ऊपर नेशनल एम्बलम का सिम्बॉल बना हुआ है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इन सभी सिक्कों के पीछे नेशनल एम्बलम का सिंबल बना हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं सभी सिक्कों के ऊपर नेशनल एम्बलम का सिंबल बना हुआ है। ओके, इन अर्लियर डेज वी हैड द फॉलोइंग कॉइन्स एज शो बिलो, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट दिस। पहले के समय में कुछ सिक्के और चला करते थे, इनके बारे में आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी से पूछ सकते हैं कि और कौन कौन से सिक्के पहले हुआ करते थे। पहले 1 रुपए वास इक्वल टू 16 आना। 1 रुपए किसके बराबर हुआ करता था, 16 आना के बराबर हुआ करता था। और 1 आना वास इक्वल टू 4 पैसा। और 1 आना किसके बराबर हुआ करता था, 4 पैसे के बराबर हुआ करता था। पहले के समय में कुछ सिक्के चला करते थे, आप देख सकते हैं उन सिक्कों की पिक्चर समय दे रखी है। 1 आना, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा, ये सिक्के ऐसे दिखाई देते थे। ओके, ये सब पहले के समय के सिक्के हैं। एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन करेंसी नोट, हर देश में अपनी जगह पर चलने वाले नोट होते हैं। नेम द कंट्री टू विच द फॉलोइंग नोट्स बिलो, हमें नीचे कुछ नोट दिए गए हैं, उन नोट्स के हमें कौन कौन सी कंट्री में चलते हैं हमें बताना है। फर्स्ट नोट आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉलर्स में चलते हैं। जैसे अपने यहाँ की करेंसी रुपीज़ होती है, वैसे ही डॉलर कौन से देश में चलते हैं। USA में डॉलर्स में चलते हैं नोट, कि $1, $2, $3। USA के जो लोग हैं वहाँ पर नोट डॉलर्स पे चलते हैं। ओके, और 11 के जो लोग हैं वहाँ पर नोट जो होते हैं पॉन्ड्स में चलते हैं। जैसे अपने यहाँ पर रुपीज़ में चलते हैं, वैसे उनके यहाँ पर पॉन्ड्स में चलते हैं। यूरोपियन कंट्री में जो नोट होते हैं वो ईरो में चलते हैं। ओके, ये 3 कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर जो नोट चलते हैं उनके नेम्स दे रखे हैं, डॉलर, पॉन्ड और ईरो। ओके, ट्रैवल टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह पर हम जब ट्रैवल करते हैं। मिताली अंकल एंड आंट लिव इन दुबई, मिताली के अंकल और आंटी कहाँ पर रहते थे, दुबई में रहते थे। दे केम टू इंडिया लास्ट वीक टू स्पेंड देयर वेकेशन हियर, पिछले हफ्ते वे इंडिया आए थे, भारत आए थे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। मिताली अंकल वर्क इन एन ऑयल कंपनी देयर, मिताली के अंकल वहां पर एक ऑयल कंपनी में काम करते हैं, तेल की फैक्ट्री में काम करते हैं। देयर चिल्ड्रन समीर एंड स्मिता स्टडी देयर इन एन इंडियन स्कूल, उनके बच्चे समीर और स्मिता वहां पर एक इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं, भारतीय स्कूल में पढ़ते हैं। मिताली स्पेंड द होल वीक चैटिंग एंड प्लेइंग विद समीर एंड स्मिता, मिताली ने अपने कजिन्स के साथ, समीर और स्मिता के साथ में पूरा सप्ताह बातचीत करके और खेलकर पूरा बिताया था अपने कज़िन के साथ में। शी वॉन्टेड टू नो अबाउट दुबई एंड देयर लाइफ स्टाइल देयर, वे जानना चाहती थी कि दुबई कैसा है और दुबई के वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, जीवन शैली कैसी होती है। ओके, स्मिता एक्सप्लेंड द फॉलोइंग, स्मिता ने मिताली को दुबई के बारे में एक्सप्लेन किया। दुबई इज़ वन ऑफ द 7 सिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट यूनाइटेड अरबन एमीरेट, संयुक्त अरब अमीरात का 7 सिटीज़ ने मिलकर गठन किया था, उन 7 सिटीज़ में से दुबई एक है। ओके, द सी एंड द डेजर्ट आर द टू आउटस्टैंडिंग अट्रैक्शन, वहाँ का समुद्र और रेगिस्तान देखकर सब आकर्षित हो जाते हैं। इट इज़ वेरी हॉट डियर विथ हार्डली एनी रेनफॉल, वहाँ पर इतनी गर्माहट है कि वहाँ पर बारिश तो शायद ही होती होगी। टूरिस्ट लव टू विजिट द दुबई म्यूजियम,
विच इज़ इन द अल फहिद्स फोर्ट। वहाँ के पर्यटकों को विजिट दुबई का म्यूज़ियम देखने का बहुत ही शौक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, अल फहिद्स फोर्ट में स्थित है। वहाँ का म्यूज़ियम लोगों को बहुत ही पसंद आता है। द म्यूज़ियम डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल कस्टम्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर यूज्ड बाय द लोकल पीपल इन द पास्ट। पहले के समय में वहाँ के जो म्यूज़ियम में वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर जाकर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, परंपरागत वेशभूषा, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वहाँ के लोकल पीपल्स जो वहाँ पर रहते थे पहले के समय में। ओके, बुर्ज अल अरब इज़ अनदर प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। बुर्ज अल अरब जो प्लेस है वो एक ऐसी दूसरी जगह है जहाँ पर लोगों को देखकर बहुत ही अट्रैक्शन होती है, वहाँ आकर्षित हो जाते हैं इस जगह को देखकर। इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। ये अपने वर्ल्ड की सबसे लंबी होटल मानी गई है। आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रही है बुर्ज अल अरब, जो कि अपने वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट रेस्टोरेंट है, टॉलेस्ट होटल है। इट इज़ 321 मीटर टॉल। इसकी लंबाई 321 मीटर लंबी है। दुबई इज़ फेमस फॉर इट्स शॉपिंग मॉल। दुबई वहाँ पर के शॉपिंग मॉल्स की वजह से भी बहुत ही फेमस है। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कम हियर फॉर शॉपिंग। वहाँ बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। गोल्ड ज्वेलरी इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन दुबई। वहाँ की गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है, सोने की जो चीज़ें होती है, वो भी बहुत ही पॉपुलर है दुबई में। द करेंसी ऑफ दुबई इज़ दिरहम। वहाँ की दुबई की जो करेंसी है, दुबई में जो नोट चलते हैं उन्हें बोलते हैं दिरहम। ओके, दुबई इज़ एन एक्साइटिंग प्लेस टू विज़िट। दुबई बहुत ही एक्साइटिंग जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, विज़िट देखने के लिए। ओके, मूव ऑन अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट सिंबल फॉर रुपीज़ इज़, रुपीज़ का सिंबल बताइए। आप देख के बता सकते हैं रुपीज़ का सिंबल ए बी सी ऑप्शन में से रुपीज़ का सिंबल कौन सा है। ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे। सेकंड, ऑन करेंसी नोट्स सिग्नेचर ऑफ द ब्लैंक इज प्रेजेंट। अपने भारत की नोट पर किसके सिग्नेचर प्रेजेंट होते हैं, किसके सिग्नेचर होते हैं। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के। ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के। ऑप्शन सी गवर्नर, राज्यपाल के। बताइए अपने भारत के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। ऑप्शन सी गवर्नर के। ओके, थर्ड, फॉर लॉन्ग जर्नी वी हैव टू बाय द टिकट। हम कहीं लंबी यात्रा पर जाते हैं तब हम टिकट कब खरीदते हैं, बताइए। ऑप्शन ए ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, यात्रा चलती रहती है तब हम टिकट खरीदते हैं। ऑप्शन बी इन एडवांस, पहले से हम टिकट बुक करते हैं। ऑप्शन सी आफ्टर द जर्नी, यात्रा करने के बाद हम टिकट खरीदते हैं, बताइए। अवर ऑप्शन बी इज़ राइट। हम कभी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो हम टिकट पहले से बुक करनी पड़ती है। फोर्थ, द करेंसी ऑफ इंडिया इज़, अपने भारत के जो नोट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बताइए। ऑप्शन ए रुपीज़, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी ईरो। अपने भारत के नोटों को हम रुपीज़ बोलते हैं, पैसे बोलते हैं। ऑप्शन ए। ओके, मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स को भरना है। फर्स्ट, एवरी करेंसी नोट हैव अ स्पेसिफिक ब्लैंक नंबर। हर नोट के ऊपर, हर भारत के नोट के ऊपर कौन सा नंबर होता है, बताइए। कोड नंबर, कौन सा नंबर होता है, कोड नंबर, सी ओ डी ई, कोड नंबर। सेकेंड, नेशनल एम्बलम इज टेकन फ्रॉम ब्लैंक एट सारनाथ। नेशनल एम्बलम सारनाथ के कहाँ से लिया हुआ है, बताइए। अशोका पिलर से लिया गया है। नेशनल एम्बलम इज टेकन फ्रॉम अशोका पिलर एट सारनाथ। ओके, थर्ड, फॉर बुकिंग रेल टिकट्स वी हैव टू फिल अ ब्लैंक फॉर्म। हम जब ट्रेन की बुकिंग करते हैं तब हमें टिकट के लिए क्या फिल करना होता है, बताइए।
रिजर्वेशन फॉर्म, फॉर बुकिंग रेल टिकट्स वी हैव टू फिल अ रिजर्वेशन फॉर्म. ओके, मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु मेक्स कॉइन, सिक्के कौन बनाता है? आंसर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने भारत की जो सरकार है वो सिक्के बनाती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट थ्री थिंग्स यू सी ऑन अ 10 रुपीज़ नोट. 10 रुपए के नोट के ऊपर आपको जो तीन चीज़ें दिखाई देती है, आप उन तीन चीज़ों के बारे में लिखिए. ओके, आंसर, नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक का हमें सिंबल दिखाई देता है, कोड नंबर एंड महात्मा गांधी पिक्चर, हमें महात्मा गांधी जी का पिक्चर दिखाई देता है, कोड नंबर दिखाई देता है और राष्ट्रीय प्रतीक का सिंबल दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डज द कोड नंबर फिगर ऑन अवर बैंक नोट, अपने बैंक के नोट के ऊपर कोड नंबर कहाँ पर लिखे हुए होते हैं? ओके, आंसर, द कोड नंबर फिगर एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर एंड बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द नोट. कोड नंबर कहाँ पर लिखे हुए होते हैं? राइट हैंड के ऊपर टॉप पर और लेफ्ट हैंड के नीचे बॉटम में लिखे हुए होते हैं, नोट के ऊपर राइट हैंड के टॉप में और लेफ्ट हैंड के बॉटम में लिखे हुए होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, नेम टू पिक्चर्स वी हैव ऑन अवर बैंक नोट, बैंक नोट के ऊपर दो पिक्चर आपको दिखाई देती है, उनके नाम बताइए. आंसर, नेशनल एम्बलम एंड महात्मा गांधी, हमें महात्मा गांधी जी का पिक्चर दिखाई देता है और राष्ट्रीय प्रतीक का सिंबल हमें दिखाई देता है. ओके, सर टाइप क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू वी हैव टू पे फॉर आवर टिकट्स, हम हमारे टिकट के लिए पैसे क्यों भरते हैं? आंसर, वी हैव टू पे फॉर टिकट बिकॉज द मनी वी पे इज़ यूज्ड फॉर, हम टिकट के लिए पैसे इसलिए भरते हैं क्योंकि वो पैसे यूज़ में आते हैं. ऑप्शन, मतलब पॉइंट फर्स्ट, फ्यूल फॉर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिस ट्रांसपोर्ट में हम जाते हैं उसका पेट्रोल या डीजल भराने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जो पैसे हम भरते हैं वो फ्यूल में यूज़ में आते हैं. अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो भी यूज़ में आता है, हम बस से जाते हैं तो बस के पेट्रोल के लिए पेमेंट काम में आता है, अगर हम कार से जाते हैं तो कार के लिए, इसलिए हम पैसे भरते हैं. सेकंड पॉइंट, द सर्विसेज दे प्रोवाइड वाइल ट्रैवलिंग, हम जब ट्रैवल करते हैं जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती है उनके लिए हम पैसे भरते हैं. जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें सीट मिलती है, तो हमें सीट मिलती है तो हम सीट के लिए पैसे भरते हैं, तभी हमें बैठने के लिए सीट मिलती है. ओके, ऐसे हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है जब हम ट्रैवल करते हैं. ओके, नंबर सेकेंड, गिव टू इम्पॉर्टेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉइन्स, भारत के सिक्कों की दो विशेषताएं बताइए, दो इम्पोर्टेंस बताइए, महत्वता बताइए. आंसर, फर्स्ट पॉइंट, द नेशनल एम्बलम इज माउंटेड ऑन इट, सिक्कों के ऊपर नेशनल एम्बलम का सिंबल बना हुआ होता है. ओके, पॉइंट सेकेंड, कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल, सभी सिक्के मेटल के बने हुए होते हैं. ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब एनी फोर फीचर्स ऑफ करेंसी नोट ऑफ इंडिया, अपने भारत के जो भारत में जो नोट चलते हैं उनकी चार विशेषताएं बताइए. आंसर, फर्स्ट फीचर, द करेंसी नोट हैव अ कोड नंबर प्रिंटेड एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर एंड बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द नोट. पहली विशेषता ये है कि हमारे भारत के नोट के ऊपर कोड नंबर लिखे हुए रहते हैं राइट साइड में टॉप पर और लेफ्ट साइड में बॉटम पर, नोट के ऊपर लिखे हुए रहते हैं कोड नंबर. सेकेंड, एट द बॉटम सेंटर ऑफ ईच नोट देयर इज द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने भारत के नोट के ऊपर सेंटर में नीचे की साइड गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं. ओके, पॉइंट थर्ड, ऑन द बैक साइड ऑफ द नोट पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज प्रिंटेड ऑन द वाइट स्पेस, नोट के पीछे जहाँ पर वाइट कलर का स्पेस होता है वहाँ पर महात्मा गांधी जी की छवि हमें दिखाई देती है, प्रिंट हुई भी दिखाई देती है. ओके, फोर्थ पॉइंट, अ सिक्योरिटी थ्रेड लाइन इज ऑल्सो सी विच इज प्रेजेंट अक्रॉस द वाइट ऑफ द नोट, नोट के ऊपर हमें एक सीधी सिक्योरिटी थ्रेड लाइन भी दिखाई देती है. ये मेन फोर फ्यूचर्स हैं इंडियन नोट के. ओके,